किडनी के गंभीर रोग से पीड़ित 49 वर्षीय पवन कुमार लाल दास बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर रौतपार गांव के मूल निवासी हैं और पटना के एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। जुलाई 2015 में तेज बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद इन्हें पटना के LNJP ऑर्थोपेडिक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज के बाद भी उल्टी जारी रही और बुखार चढ़ता उतरता रहा। हालत में कोई सुधार न होता देख पवन ने अगस्त 2015 में IGIMS यानी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का रुख किया, जहां जांच के बाद क्रिएटिनिन की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा मिली। अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा पवन को डायलिसिस की सलाह भी दी गई, लेकिन पवन के लिए यह रास्ता पैसों की कमी के कारण आसान न था। इस बीच पवन कुमार लाल दास को डॉक्टर PK ज्ञान के बारे में किसी ने बताया और बगैर देर किए पवन ने अगस्त महीने में ही डॉक्टर ज्ञान से मुलाकात की और इलाज शुरू हुआ। पिछली सभी दवाओं को पूरी तरह छोड़ चुके पवन ने निरंतर डॉक्टर ज्ञान द्वारा दी जा रही दवाओं का सेवन शुरू किया और नियमित रूप से जांच भी करवाते रहे। लगातार चल रही दवाओं के साथ नियमित रूप से आ रही जांच रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली थी, यानी अब पवन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। जुलाई 2015 में एक पानी में भींग गए थे स्कूल से आते वक्त, तो बुखार लग गई थी। बुखार लगने के बाद लोकल दवा से ठीक नहीं हुआ तो सरकारी हॉस्पिटल शास्त्री नगर में है, वहाँ पर गए दिखाए, वहाँ पर भी दवा मिला तो दवा से बुखार उतर जाता था लेकिन ठीक नहीं होता था, बुखार फिर चढ़ जाता था, उल्टी भी लगातार हो रहा था। तो वहाँ जब एक सप्ताह दिखाने के बाद ठीक नहीं हुआ तो फिर IGMS में दिखाए, उन्होंने बहुत सारा टेस्ट लिखा, क्रिएटिनिन का भी टेस्ट लिखा, क्रिएटिनिन मेरा बढ़ा हुआ था 7.2, तो उन्होंने कहा कि डायलिसिस कराना होगा और इसके लिए उन्होंने आई डिपार्टमेंट में और डायबिटीज के चेकअप के लिए भेज दिए। फिर वहाँ से वो चेकअप करा करके जब आए तो वो सब ओके किए कि हाँ ठीक है करा सकते हैं। तो फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ओम कुमार, वहाँ के IGMS के, उनसे मिले, उन्होंने हम लोगों को बताया कि मतलब 15 दिन के अंदर इनका किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होगा, किडनी का व्यवस्था आप कीजिए। मेरा दयनीय स्थिति बहुत ही खराब था, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति दोनों ही बहुत खराब था, हौसला सारा खत्म हो चुका था, घर में हाहाकार जैसा मच गया। फिर एक मेरे संबंधी बोले कि आप ऐसा कीजिए कि PK ज्ञान राजेंद्र नगर में है, उनसे आप दिखाइए। तो वहाँ गए दिखाने के लिए, तो पहली बार दवा जो दिए उससे मेरा घाटा नहीं, 10 दिन के बाद फिर टेस्ट किए तो उन्होंने कहा कि ये जो बढ़ते हुए क्रम का था उसमें डाउनवर्ड हुआ है, अब घटेगा। फिर विश्वास करके दवा लिए और उसके बाद से लगातार मेरा क्रिएटिनिन घटते गया, पहली बार मतलब 4.0 पर आ गया, फिर दूसरे बार 15 दिन के बाद कराया तो 3 के लगभग था और लगातार घटते घटते अब 1.7 के लगभग अभी है, अभी उन्हीं के इलाज में है। और जहां एलोपैथिक निराश कर दिया था वहीं होम्योपैथ में जीवन का एक सहारा मिला, और कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ईश्वर का असीम कृपा था जो जीवन दान देने के लिए सहारा मिला। किडनी के क्षेत्र में PK ज्ञान का खासकर मैं अपने इलाज के माध्यम से तो ये कहना ही चाहूँगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पकड़ है और किडनी के बहुत बेहतर इलाज मेरे साथ हुआ है, जहाँ हम उठ बैठ नहीं सकते थे, 10 कदम चल नहीं सकते थे, आज अपने दैनिक क्रियाकलाप थोड़ी सी चल बुल मतलब नॉर्मल वे में पहुँच गए हैं करीब करीब।